आइडिया आया है। क्या महमूद साहब? हम कुत्ता पाल लेते हैं। क्या? उससे क्या होगा यार? अरे कुत्ते की आवाज सुनकर चोर घर में नहीं आएगा भाई। वो यार महमूद साहब, उसके लिए कुत्ता पालने की क्या जरूरत है? कुत्ते की आवाज तो हम लोग भी निकाल सकते हैं। यार आप लोग क्या फजूल बातें कर रहे हैं? ओ जानू, हम इस घर की सिक्योरिटी के लिए बातें कर रहे हैं ना यार। उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड रखो ना। हाँ यार नबीर, हम सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ भाई, ARY में भी तो सबने रखे हुए ना सिक्योरिटी गार्ड। हाँ यार, और JJ के पास तो 5-5 सिक्योरिटी गार्ड है। अरे उसका तो बनता है यार, उसको प्रोडक्शन हाउस की तरफ से धमकियां हैं। वो तो रास्ते बदल बदल कर ऑफिस जाता है। सही कह रहे हैं महमूद साहब, डन हुआ जानू, हम सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं। मैं अभी दानिश खाजा को फोन करता हूँ। ये चीज। हेलो दानिश खाजा, DK, क्या हाल है? जानी नवील बात कर रहा हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए यार। क्या तूने कंपनी नहीं खोली हुई यार? अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता तू? ओके डन है। महमूद साहब, दानिश ख्वाजा 1-2 लोगों को भेज रहा है, कह रहा जो पसंद आए रख लेना। ये चीज मेरे अजीज। चाय तो हमने अपने लिए ऑर्डर की है। शक्ल से तो ये गार्ड नहीं लगता। ओ जानू, शक्ल से तो तुम भी मेरी बीवी नहीं लगती यार। शट अप नबील। ओके जानू। हां भाई, पहले कहाँ काम करता था? पहले कब बाबा? ओ इससे पहले कहाँ काम करता था? किससे पहले सही? ओ भाई, यहाँ आने से पहले। अरे बाबा, हम पहले बहुत बड़े दफ्तर में काम करता था। गार्ड? नहीं नहीं बाबा, हम चपरासी था। हाँ, उससे पहले हम डब्बू के अड्डे पे गल्ले पे बैठता था। तू सिक्योरिटी गार्ड कब था? नहीं, अभी होऊंगा ना आपके पास। नहीं देखा नबील, मैंने तुम्हें कहा था ना। अरे जब तू कभी सिक्योरिटी गार्ड था ही नहीं, तो फिर हमारे घर में सिक्योरिटी गार्ड बन के क्यों आया है? अरे बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिक्योरिटी गार्ड का काम ही क्या होता है सही? बस घर के बाहर कुर्सी डाल के सोना ही होता है ना सही? क्या? हाँ सही, अगर डाकू आ जाए ना, उनके लिए घर का गेट खोल के भागना ही होता है। ये काम हम भी कर सकते हैं। यार नबील, ये दानिश ने अपने जैसा आदमी भेज दिया। ओए मेरे दोस्त, आखिरी बात मुझे एक बता दे। पूछो बाबा, पूछो। तुझे गोली चलानी आती है? बाबा ऐसी वैसी बगैर पिस्तौल के गोली चलाता हूँ सही। बगैर पिस्तौल के? हाँ सही, हम बगैर पिस्तौल के फायर भी कर सकता है। करके दिखाऊं सही? ये देखना, फिश फिश। देखा सही, कितने बड़े बड़े फायर किए सही। वो जो तुम मुंह से करते हो वो फायर है? हाँ बाबा। अच्छा भी। चले महमूद साहब, इसे जरा मुंह के फायर करके बताते हैं। ए, नबील कुछ तो करो यार, मुझे तो डर के मारे रात को नींद ही नहीं आएगी। जानू मैं तुम्हारे साथ हूँगा ना, इसीलिए तो कह रही है वो। माँ जी आप क्यों टहल रही हैं यार डंडा लेके? तू फिक्र ना कर फाखरा, जब तक सुरैया जिंदा है इस घर में कोई डाकू पर नहीं मार सकता। कौन सुरैया? मैं। अरे तुम्हारा नाम मुमताज है मोमो? हाँ, मेरा पूरा नाम सुरैया मुमताज अहमद मोमो है फवाद। मेरे घर के दरवाजे पे किसी चोर ने आने की हिम्मत की तो मैं उसकी लता पट देंगी। नबील जाओ, देखो ना दरवाजे पे कौन है, प्लीज देख कर खोलना। हाँ जानू, तुम फिक्र ही मत करो। आए महमूद साहब। नबील भाई, ये तुम्हारा भाई है? ओ महमूद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो फकीर शकीर लग रहा है। इसीलिए तो पूछ रहा था। अरे मैं फकीर नहीं हूँ नबील भाई।
आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं जग्गू दादा हूँ। जग्गू दादा? किसका दादा? अरे जग्गू दादा, जग्गू। जग्गू दादा? अरे जग्गू दादा, आप इस हालत में? अरे नवील भाई, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, सारी अय्याशी खत्म होगी। तो दिनोगे मैंने खाना भी नहीं खाया। एक काम करें, बाहर से खा के आ जाए, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे भाई, मैं आप लोगों को अपना समझ के आया था, मुझे खाना मत खिलाना, लेकिन मेरी कहानी तो सुन लो यार। हाँ महमूद साहब, इसकी कहानी सुन लेते। अब वो जो हम इसकी सुनेंगे वो कहानी होगी। हाँ जी। अच्छा जी, आओ यार चक्कू दादा, आ जाइए। इसने मेरे सारे धंधे बंद करवा दिए, मेरे सारे बंडल मुझे छोड़ के चले गए, मेरी लैला किसी दूसरे के बदमाश के साथ दुबई भाग गए, बर्बाद हो गया नबील भाई, मैं बर्बाद हो गया। मेरा कलेजा फट जाएगा। मोमो, तुम तो रोना धोना बंद करो यार। ओ यार चकू, तेरी हम क्या मदद करें, हम लोग तो खुद फारे चल रहे हैं। नबील भाई कुछ तो करो, मुझसे कोई काम भी करवा लो, मैं कर लूंगा। नबील भाई कोई भी काम? हाँ कोई भी काम। यार मैं मुसब, क्यों ना हम इसे सिक्योरिटी गार्ड रख लें? हाँ यार, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्यों खूबसूरत? हाँ ना, इन्हें देखकर तो कोई घर में घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा। क्या याद करेगा चकू, जा हमने तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। अच्छा? हाँ, लेकिन तनख्वाह नहीं देंगे। तीन टाइम खाना तो देंगे ना आप लोग? हाँ खाना दे देंगे। तो फिर देना। यार इसको तनख्वाह पे ना रख ले। अरे इस खाने में तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ यार मैं वो सब ठीक कह रहे हैं आप। वाह वाह, खाना बड़ा मजे का था। मामूसा हमें क्या पता, हमने तो खाने की सिर्फ खुशबू ही सूंघी थी। तो जा भाई, अब बाहर जाके ना चौकीदारा कर। ओ नबील भाई, आप फिक्र ना करें, आप सुकून से घर में चिल करें, मैं बाहर जाके चौकीदारा करता हूँ। चिल करें आप। मोमो, अरे जाओ जाके किचन में देखो, शायद पतीली में कुछ बच गया हो, वही ले आओ। बाहर नहीं खानी, खाना खाना, भूख लग रही है। मुझे नींद नहीं आ रही। तो जानू, अब डरने की क्या जरूरत है, जग्गू हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। तुम एक काम करो, सुकून से सो जाओ। नबील मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही यार। यार भूख की वजह से तो मुझे भी नींद नहीं आ रही, ये जग्गू का बच्चा सारा खाना खा गया। चलो एक काम करते हैं, सुबह उठ के ना सबसे पहले नाश्ता हम लोग कर लेंगे। ठीक है। जानू, जग्गू के आने से एक काम हो गया, मोहल्ले में हमारी दहशत फैल गई। अब कोई चोर डाकू हमारे घर की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा, और अगर देखेगा तो जग्गू उसको देख लेगा। कैसा? हाँ ये तो है। कौन? नबील भाई, नबील भाई। जग्गू? क्या हो गया है यार? नबील भाई बाहर कोई है। ओए बाहर कोई है तो तू अंदर क्या कर रहा है, जाके देख उसे और उसकी कुट लगा। अरे नबील भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं किसी की कुट कैसे लगा सकता हूँ भला? कैसा बदमाश है भाई तू? अरे नबील भाई, जब से पुलिस ने मेरी कुट लगाई है ना, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया, मैं किसी की कुट नहीं लगा सकता हुआ। तो भाई फिर तू किस बात का सिक्योरिटी गार्ड है? अरे नबील भाई, सिक्योरिटी गार्ड कोई दूसरा रखवा ले, मुझसे घर के काम करवा ले। शुक्र है नबील, पुलिस ने उस चोरों के ग्रुप को पकड़ लिया जो मोहल्ले में चोरियां कर रहा था। हाँ जानू, अगर वो लोग ना पकड़े जाते ना तो मेरे हाथों से उनका खून हो जाना था। जो तुम्हारे हाथों से होता वो खून होता। हाँ जी। अच्छा जी। नबील अब इस जग्गू को चलता करो यार, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी। अरे जब वो हमारे काम का ही नहीं है तो फिर उसे रख के करेंगे क्या? हाँ खाम खा, हम उससे डरते रहते हैं यार, वो तो खुद बड़ा डरपोक है। हाँ, और दहशत ऐसे फैला रखी थी जैसे पता नहीं क्या चीज हो। नबील ये बदमाश दहशत फैला कर ही तो लोगों से पैसा वसूल करते हैं। भाई जिसकी जितनी दहशत और डर होगा उतनी कमाई होगी।
यार नबील, अरे हम जग्गू दादा की दहशत से फायदा उठा सकते हैं। हाँ महमूद साहब, अगर वो उस गरीब मोहल्ले में भत्ता ले सकता है तो यहाँ तो सारे अमीर लोग रहते हैं, डबल कमाई होगी। हाँ, और अमीर लोगों को तो अपनी जान की भी बहुत फिक्र होती है। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। नबील भाई, मैं नाश्ता ले आया। सुन बे जग्गू, ये जो घर के छोटे मोटे काम है ना, ये तो हमारी बीवियां भी कर लेती हैं, क्यों महमूद साहब? हाँ हाँ, तू एक काम कर, तू यहाँ से चलता बन और कहीं और जाके नौकरी ढूंढ। अरे ऐसा मत बोले नबील भाई, मेरा तो आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है, मुझे तो बदमाशी के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं आता नबील भाई। तो फिर ठीक है, बदमाशी कर। क्या? हाँ, लेकिन इस बार तू हमारे लिए करेगा। क्या मतलब? अरे इस मोहल्ले में तूने दहशत फैलानी है ताकि लोग तुझसे डर कर हमें बता दें। मुझसे डर कर आप लोगों को बता क्यों देंगे? वो इसलिए कि हम तेरे पंटर बन जाएंगे, क्यों मामू साहब? हाँ, लेकिन सिर्फ घर से बाहर, घर के अंदर तू हमारा पंटर होगा। ये चीज मेरे अजीज। लेकिन नबील भाई, इस मोहल्ले में भला मुझसे कोई क्यों डरेगा? अबे जग्गू, क्यों डरेगा क्या मतलब है? तूने मोहल्ले में से गुजरते हुए दो चार लोगों की कुट लगानी और तेरी दहशत फैल जानी है। अरे मैं जिसकी कुट लगाऊंगा, अगर पलट कर उसने मेरी कुट लगा दी तो? हाँ यार नबील, ये तो हमने सोचा ही नहीं है। अरे इसलिए तो मोहल्ले में इसकी दहशत ही नहीं फैलेगी, इस काम के लिए हमें कोई अपना बंदा रखना पड़ेगा। ठीक है जग्गू, तू भी क्या याद करेगा, तुझे ऐसा बंदा देंगे जो चुपचाप तेरी कुट खाएगा। है, लेकिन ऐसा बंदा कौन होगा नबील? आप महमूद साहब। बहुत ही खतरनाक आदमी है, अब तक 56 कत्ल कर चुका है। 56 कत्ल? हाँ। तो भाई पुलिस को पकड़ती क्यों नहीं है? कैसे पकड़ेगी, चार तो पुलिस वाले मारे हैं उसने। फैजी सुन। क्या? हाँ, जो उसे पत्ता नहीं देता उसके साथ तो वो यो करता है। क्या करते हैं उसके साथ? जग्गू दादा माफ कर दो। भाई कैसे माफ कर दूं तुझे, तूने जग्गू दादा को पत्ता देने से इनकार किया। अरे भाइयों, मैं तो उसे पत्ता देने लगा, उससे पहले वो मुझे कुत्तों की तरह मारे, मैं उसको पत्ता देने लगा। मैं नहीं मार खा सकता उसकी भाई, बड़ा ज़ालिम आदमी है वो। भाई हमारे पैसे भी उसको दे देना, जब वो उसको मार देना। जैसे ही फारग होता तुम्हारे पैसे भी दे देता हूँ। निकलो तुम लोग, निकलो निकलो, शाबाश, भाग जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। यार महमूद साहब, ओवर एक्टिंग बंद करें यार, दर्द हो रही है यार, ज्यादा लग गई महमूद भाई। तूने मेरे मियां का फोड़ डाला। अरे मुझे तो अम्मा इन्हीं लोगों ने कहा था कि दहशत फैला दो, मैंने फैला दी। भाई सारी दहशत तूने इनके मुंह पे फैलानी थी, भाई बंदा हाथ पे हम तोड़ देता है। ओ माँ जी, महमूद साहब के कुट खाने की वजह से आज पूरे 15,000 की कमाई हुई है। वशे वशे। नबील, ये क्या घटिया हरकत है, तुम अपने बच्चों को क्या भत्ते की कमाई खिलाओगे? जानू खबरदार, अगर तुमने महमूद साहब की खून पसीने की कमाई को हराम की कमाई कहा तो मैं अपनी बेटी या अपने ऊपर तुम्हें 1 रुपया नहीं खर्च करने दूंगी इसमें से। वेरी गुड जानू, मैं अपने ऊपर सारे पैसे खर्चूंगा। शट अप नबील। ओके जानू, चले महमूद साहब मोहल्ले की दुकानों से भत्ता वसूल करते हैं। वो जो मोहल्ले की दुकानों से वसूल करना है वो भत्ता है। जी चले, बाल ठीक कर ले जरा अपने, वो गाना मत भूलिएगा। चलो जी। माँ जी ये ले, अय्याशी करें आप भी। आ जाए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी परे, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए। ये ले महमूद साहब,
आप भी क्या याद करेंगे आपका हिस्सा। यार नबील मुझे तो ज्यादा मिलने चाहिए, मैंने तो कुट भी खाई है। ओ बस कर दे यार महमूद साहब, आप तो वैसे ही कुट खाते ही रहते। नबील भाई मुझे भी कुछ दे देना। अबे ये ले, क्या याद करेगा। ओए संभाल के खर्चना, ज्यादा पैसे देख के पागल मत हो जाना, उड़ा मत देना। यार नबील हमने सारी दुकानों से तो भत्ता ले लिया, अब हम क्या करेंगे। महमूद साहब अब हम मोहल्ले के घरों से बता लेंगे जाकर। हाँ चले तैयारी पकड़ ले। वो जो हमने पकड़नी है वो तैयारी है। हाँ जी। अच्छा जी चलो जी। चले तेरा एक सेकंड ठहरे, मैं ये पैसे लगा दूँ। हाँ तो तैयारी हो गई। चोरों को बोर पड़ गई पकड़। हाँ तैयारी। आजा चकू। आजा। मोहल्ले वालों चक्कू दादा आ गए हैं। जिस जिसको अपनी इज्जत प्यारी है वो दो दो हजार रुपए लेके दरवाजे में ही खड़ा हो जाए। हाँ और अगर चक्कू दादा घरों में घुस गए तो फिर घर में कोई चूहा कोई कॉकरोच कुछ नहीं बचेगा। आराम से चक्कू दादा, हंसी हो जाएगी। हाँ हौला हाथ रखो, हौला आ जाए आ जाए। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पले उस पार निकलते हैं। निकल बाहर। हमें बत्ता निकाल। बत्ता निकाल भाई बत्ता। तो तुम लोगों जो मोहल्ले वालों से बत्ता ले रहे हो। हाँ हम ही हैं जग्गू दादा के पंटर। अबे चल चल निकाल जल्दी से पैसे, अगर जग्गू दादा आ गया ना, अरे वो पैसे के साथ साथ सब कुछ निकलवा लेगा। अबे तुम लोगों की ऐसी की तैसी। ओए जानता नहीं है, छोड़ मुझे, मैं कौन हूँ। अबे तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ। नहीं। अबे मैं DSP हूँ सालो। क्या अब तो मैं निकालूंगा तुम लोगों का सारा माल, वो भी उल्टा लटका कर। तो मजाक कर रहे थे बॉस, मजाक कर रहे थे। बकवास बंद कर। जग्गू दादा, जग्गू दादा बचाओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत ही जालिम लोग हैं, अच्छी तरह जरा इनसे निपटिएगा आप, अच्छी तरह। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।